अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसार है और मैं आज आप सबको लेकर जा रही हूँ महाबलेश्वर। ये रहा पीछे का रास्ता, दूर दूर तक कुछ नहीं है सिवाय आसमान और पहाड़ के। यहाँ पे भी सिवाय आसमान और पहाड़ के कुछ नहीं है और हम लोग सिर्फ चले जा रहे हैं। पीस, होपफुली हम लोग सही सलामत पहुँच जाए। फाइनली हम पहुँच गए और हमारी प्रॉपर्टी का नाम है क्लब ऑक्सीजन। यहाँ तक आने के लिए हमारे पास कार नहीं था, तो हमारे लिए एक्सेस ज़्यादा अच्छा हो जाता अगर कार रहता तो, बट कार नहीं था और हम बस से गए थे तो थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गया हमारे लिए। एंड नाउ लुक एट दिस, इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पर हम जिस टाइम पर गए थे वहाँ तब ज़्यादा लोग नहीं थे, पर ज़्यादा लोग होने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैंने सुना है गेम्स वगैरह सब होते हैं। बट जब हम गए थे तब ऑलरेडी हम थे और शायद 2-3 फैमिलियाँ थी, तो उतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट प्रॉपर्टी में तो नहीं हो पाया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी प्रॉपर्टी का अच्छा सा टूर दे दूँगी आपको, सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट डे हमें मार्केट जाने के लिए कुछ एक्सेस नहीं मिला, ना बस का पता था ना कोई गाड़ी मिल रही थी। गाड़ी वाला बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था, इसके लिए हम थोड़ा वहाँ ही टहल लिए। यहाँ से बस जाती है पर बस का टाइमिंग हमें नहीं पता था, तो बस ज़्यादा अफोर्डेबल होता है और कम पैसे में मार्केट तक पहुँचा भी देती है। तो हमारे होटल के सामने एक स्ट्रॉबेरी गार्डन था उनका खुद का, तो उन्होंने कहा था जाकर आप देख लीजिए। और वो रहा हमारा होटल और ये इतना बड़ा फार्म है स्ट्रॉबेरी का। और आज है हमारा डे 2। डे 2 में हम जाने वाले हैं वीना लेक। हमने यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और वहाँ से हम मेप्रो गार्डन गए, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रीम खाया जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। और आज हमारा है लास्ट डे, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे पूरा प्रॉपर्टी ज़रूर दिखा दूंगी आपको। टेक केयर, बाय बाय।